आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। नमस्कार। बूढ़नपुर विकास खंड को यसा के हिसामुद्दीनपुर गांव में आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की कार्यकर्ता बैठक की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर रहे। बैठक की अध्यक्षता युवा नेता गजराज राजभर ने किया। कार्यक्रम का संचालन रामनवमी राजभर ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि भाजपा की सरकार केंद्र व प्रदेश में है, जो हर मोर्चे पर विफल है। आज अपराध चरम सीमा पर है। अधिकारी व कर्मचारी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। देश व प्रदेश की जनता आज भय मुक्त समाज में जी रही है। देश को आज तक इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री आज तक नहीं मिला है। 15 लाख रुपए हर जनता को देने का वादा झूठा निकला। वही रेलवे, भारतीय जीवन बीमा निगम का, BSNL आदि चीजों को विदेशों के हाथ बेच दिया गया है। देश प्रदेश की जनता हाय हाय कर रही है। लोगों को डीजल पेट्रोल के नाम पर ठगा जा रहा है। वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले से ही पता चल गया था कि चीन के वुहान से आने वाले लोगों को कोरोना वायरस है, लेकिन उनको नहीं रोका गया, जिसका आज कोरोना वायरस जैसी महामारी फैलने का सबसे बड़ा कारण है। वही कानपुर चौबेपुर की घटना देश को दहला देने वाली घटना है। प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को आईना दिखा रही है पुलिस। शासन प्रशासन जनता को लूटने के काम कर रही है। वहीं जनता न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर है। गला के नाम पर कोटेदार ठग रहा है। केंद्र व प्रदेश सरकार के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए। इस मौके पर गजराज राजभर, अशोक राजभर, विनोद कुमार राजभर, रामनवमी राजभर, संतोष कुमार तिवारी, संतराम राजभर, फिरतू राजभर, गंगा राजभर, संदीप राजभर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज 24 ब्यूरो आजमगढ़, बूढ़नपुर तहसील ब्यूरो, संतोष मिश्र की रिपोर्ट। सर, क्या आज के क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, जिसमें माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जन अधिकार पार्टी, प्रेमचंद प्रजापति राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी, कृष्णा पटेल अपना दल, रामधनी बिंद भागीदारी भारतीय मानव समाज पार्टी, रामकरण कश्यप भारतीय वंचित समाज पार्टी, अनिल चौहान जनता क्रांति पार्टी, ये हम 8 लोग मिलकर के एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं। और पूरे प्रदेश में हम लोग इस सरकार ने जो वादा किया था जनता के बीच में और ये कर नहीं रही है, उसके खिलाफ हम लोग गांव-गांव धरना दे रहे हैं। आज पूरे प्रदेश के 75 जिले में हमारा धरना चल रहा है। गांव में चूंकि हमारे नेता कुछ ना समझ हैं, अभी अनटेंड हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम लोग 20 आदमी 50 आदमी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उसके हिसाब से हम लोग काली पट्टी बांध करके सोशल मीडिया से सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि जो वादा आपने किया था जब कांग्रेस की सरकार थी, तो पेट्रोल डीजल 1 साल में 1 रुपया 19 पैसा बढ़ा, तो आप लोग बड़ा आंदोलन किए। आज आपकी सरकार में पेट्रोल से महंगा 73 साल में पहली बार डीजल बिका है दिल्ली में, तो आप बढ़ी हुई कीमत वापस करो। आपने वादा किया था कि ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, तो अब तो ना हट गया गुंडा राज और भ्रष्टाचार हो गया, अब इसको आप रोको। आज अभी 8 दिन में 50 हत्या हुई है, अभी इस 8 दिन की रिकॉर्ड है कि 8 दिन में 50 हत्या हुई है। अभी 4 लोग इलाहाबाद में काट दिए गए, कौशाम्बी में घटना हो गई, लखनऊ में हो गई। आए दिन मतलब कि जैसे लगता है कि कानून का कोई राज नहीं है, यहाँ जंगल राज हो गया है। जो सरकार झूठे जुमले सुना रही है, इन्होंने अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने संबोधन किया कि उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। अब इधर तो जब से वो दिए हैं, हम गांव-गांव पूछ रहे हैं कि कोई किसी गांव में चपरासी भी नहीं बना। ये मनरेगा के काम को उसी को नौकरी बता रहे हैं। ये जो दुकानें बंद पड़ी थी, जो कारोबार करने वाले लोग थे, दुकान बंद थी, वो खुल गई, उसी को गिन के बता रहे हैं। पूरे प्रदेश में 10 दिन के अंदर एक भी चपरासी की नियुक्ति नहीं हुई है, जो मैं देख रहा हूँ। जो सिस्टम है सरकार का, जो उस सिस्टम में अभी एक भी भर्ती नहीं हुई और ये 1.25 करोड़ नौकरी दे दिए। इन्होंने वादा किया था कि हम 15 लाख रुपया देंगे, हम खाता खुलवाएंगे। हाँ, जनता स्वागत किया। 15 करोड़ 15 लाख तो नहीं दे पाए खाते में, लेकिन 5 किलो 13 मिनट के भाषण में देश के प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, तो 5 किलो गेहूँ या 5 किलो चावल और 1 किलो चना। अरे, आप चर्चा करते रोजगार की, तमाम देश में आपके हिसाब से 6 लाख कंपनियां बंद हो गई हैं, वो कैसे खुलेंगी? जो कोरोना से भाग करके परेशान होकर के जो लोग गांव आए हैं, वो कैसे वापस जाएं? वो फैक्ट्री कैसे खुले? चीन भारत में प्रवेश कर गया है,
रक्षा मंत्री कह रहे हैं प्रवेश कर गया है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं प्रवेश नहीं किया है, आपस में ही मतभेद है। चीन ने 20 जवान को हमला करके 20 जवानों को शहीद कर दिया, बदला लेने की बात तो टिकटॉक बंद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, उन्होंने वादा किया था कि सरकार बनाओ महंगाई कम होगी, लेकिन सरकार बनने के बाद जो 2014 के पहले 342 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता था भराने पर, आज वो 800 रुपया के ऊपर हो गया। ये बात नहीं समझ में आ रही है। आज पूरे प्रदेश में आप उठा के देखिए, अभी केंद्र सरकार ने 68,607 करोड़ रुपया गुजरातियों का माफ किया, 50 गुजरातियों कर्जा माफ किया, और आज जितने कारपोरेट घराने हैं सब गुजराती, जितना देश का रुपया लेके भागने वाले हैं सब गुजराती। अब पूरे देश पर एक गुजरात के लोग, ये बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, ये पूरे देश पे गुजरातियों का कब्जा हो गया है। ये भाषण दिए थे प्रधानमंत्री जी, देश बिकने नहीं दूंगा, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, अब जो गांव में प्राइमरी स्कूल है उसको बेचने जा रहे हैं प्राइवेट को, जो स्वास्थ्य विभाग है, जो स्वास्थ्य अस्पताल है उसको बेचने जा रहे हैं प्राइवेट को। ये क्या करना चाहते हैं? पूरे देश को बेच करके ये चले जाएंगे फिर दुनिया से छोड़ करके, भारत छोड़ के? तो हम लोगों को उनको सोशल मीडिया के माध्यम से ये एहसास करा रहे हैं कि भाई भारत को गर्त में मत ले जाओ, भारत में लोगों को अमन चैन से रहने दो, आपस में मत लड़ाओ, आपस में नफरत पैदा मत करो। जो बीमारी है आज उठा के देखिए, जितने कुछ ऐसे बड़े चैनल हैं जो समाज को ज्ञान देना चाहिए कोरोना से निपटने के लिए, तो कोरोना का ज्ञान नहीं दे रहे हैं कि मास्क लगाओ, गर्म पानी पियो, हल्दी दूध में डाल के पियो, जो भी सरकार को प्रचार करना चाहिए। प्रचार क्या हो रहा है? हिंदू मुसलमान, खाली हिंदू मुसलमान का प्रचार हो रहा है। आप हिंदू मुसलमान करके कोरोना नहीं भगा सकते। आपकी बात देश की जनता ने माना, आपको सरकार बना दिया। कोरोना के सवाल पे आपने कहा कि थाली बजा दो, देश ने थाली बजा दिया। आपने कहा कि टार्च जला दो, दीपक जला दो, कोरोना खत्म हो जाएगा, जला दिया, कोरोना दिन दूना रात चौगुना बढ़ा। जब 500 कोरोना था तो आपने ट्रेन बस नहीं चलाई, 2.5 लाख कोरोना हो गया तो आप ट्रेन चला करके फिर कोरोना फैला रहे हो। 42 दिन लगातार पुलिस विभाग ने, स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से लड़ा, करोड़ों लोगों को मार खानी पड़ी, नौजवानों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, 42 दिन पुलिस ने अथक परिश्रम किया, लेकिन आपने राजस्व पैसा कमाने के लिए शराब का ठेका खोल के कोरोना को दावत दे दिया कि बढ़ो कोरोना, आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। एक तरफ तो आप प्रचार कर रहे हो कोरोना से बचो, दूसरी तरफ कोरोना को फैलने का दावत दे रहे हो। आपको कोरोना रोकना था तो 20 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट थे, जब जनवरी में आपको पता हो गया, दिसंबर में पता हो गया था सरकार को, आप 20 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सील कर देते, मत आने देते विदेश से लोगों को, तो पूरे भारत को लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी बड़ी दुर्गति नहीं झेलता लोग, इतने बड़ी जो आर्थिक मंदी है हम लोगों के देश में हो गई, आज वो नहीं होता। आज GDP 0 पॉइंट पे चली गई, आज ये स्थिति नहीं होती। इस बात को हम लोग गांव गांव धरना दे करके सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग सरकार को मैसेज दे रहे हैं। आप देख रहे हैं GGS News 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ।